गुड आफ्टरनून. गुड सेट ऑफ नंबर्स आ ही रहे हैं आज. आज लार्ज कैप्स ने तो एक अच्छा सपोर्ट दिया है. इनफैक्ट एल एन टी हो फिर रिलायंस भी एक न्यूज़ आई. ITC में भी आप देखें तो रिकवरी ट्रेड प्ले हो रहा है. ये जो दो तीन दिन की एक वीकनेस ही थी, क्या वो बाजार ने श्रग ऑफ कर दिया? इस वक्त मार्केट पर व्यू क्या बन रहा है और आपकी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी क्या है? हाँ बिल्कुल प्रियंका, आपको सुबह ही कहा था कि डोंट टेक द मार्केट लाइटली, क्योंकि सारा महीना FIs की बाइंग है. देर विल बी यू नो देर विल बी नो लेट अप इन द ऑप्शन साइड एंड सो ऑन. तो आज मैं आपके लिए एक ऑप्शन स्ट्रेटेजी भी बताऊंगा और शेयर भी बताऊंगा. सुबह आपको कोटक दिया था कल, आज शाम आज सुबह जो मेरी पिक थी देखिए वो आज टॉप गेनर है बैंक्स में. और उसके साथ मैंने आपको दिया था सिटी यूनियन बैंक, दैट इज अप 3% अगेंस्ट अ मार्केट विच हैज डन नथिंग. PNB के नंबर्स वर टेकन लाइटली, वो बहुत आउट परफॉर्म किया है. तो मैं आपको एक तो शेयर सजेस्ट करूंगा और एक स्ट्रेटेजी भी बताऊंगा, लेकिन यहाँ थोड़ा सा चौकन्ना भी रहिए बिकॉज मार्केट कैन गो आइदर वे. तो आप कहें तो मैं पहले शेयर सजेस्ट करूं और फिर आपके ऑप्शन की स्ट्रेटेजी देता हूं. बिल्कुल बताएं संजीव जी. देखिए प्रियंका जी, एक साल हो गया मैंने 459.60 पे कैनफिन होम दिया था. कैनफिन होम का प्रॉब्लम उस समय यह था कि द मैनेजमेंट हैड द एमडी हैड रिजाइंड यू नो वेरी सरप्राइजिंगली, और उसके बाद देयर वाज अ लॉट ऑफ अनअकाउंटेड इन यू नो एक्सपोजर्स ऑन द बेसिस ऑफ लॉसेस रिपोर्टेड. वो वन ऑफ लिया था. वी इन्वेस्टेड बिकॉज वी वर गिवन कॉन्फिडेंस. द शेयर वेंट वेरी स्ट्रांगली और 900 हो गया है. लेकिन दो दिन से जो क्या हुआ है इसमें एक बहुत अजीब बात हुई है. तीन दिन में पहले जो रिजल्ट्स आए उसमें कुछ नहीं कहा गया, लेकिन कल आप कहते हैं कि अंबाला ब्रांच में 45 करोड़ का गफला हुआ है. और ये मैं बता सकता हूँ, दिस इज नॉट कोई फोरेंसिक ऑडिट भी हो तो भी नहीं पता लग सकता. यू वुड हैव फाउंड आउट व्हाट इज दिस. ये पहली बार ही नहीं हुआ. सेकेंडली वी वॉन्ट टू नो कि ये वॉज इट अ डेवेलपर लोन और अ होम लोन केस. मुझे लगता है देर कैन बी लॉट ऑफ स्केलेटन्स. प्लीज बी वेरी केयरफुल ऑफ कैनफिन होम. मुझे लगता है ये जो इसमें रैली आई है इट इज अनवारंटेड, और ये जो डिस्क्लोजर आया दैट कैन बी वेरी नेगेटिव. तो मैं आज शॉर्ट कॉल दे रहा हूँ बहुत टाइम बाद. कैनफिन होम कैन गो ऑल द वे बैक टू 600. तो पहली बात कैनफिन होम बेचिए. उसके सामने जो मेरी बाय कॉल है वो है RBL बैंक. आज आपके पास डिस्क्लोजर आ गया, पहले भी मैंने 170-180 में कहा था. आज डिस्क्लोजर है कि कोटक महिंद्रा महिंद्रा एंड महिंद्रा हैव टेकन अ 4% स्टेक. प्रियंका, RBL हैज नो प्रमोटर हु हैज मोर देन 1.5% स्टेक इंक्लूडिंग इंस्टीट्यूशन. दिस बैंक इज राइप फॉर अ टेक ओवर. दिस स्टॉक कैन गो इवन टू 400 रुपीज इन द नेक्स्ट वन ईयर. तो इफ यू आर लुकिंग फॉर अ बाय, थोड़ा सा अभी लीजिए, थोड़ा सा नीचे भाव आए लीजिए, लेकिन कैनफिन होम से निकल जाइए. ये शेयर में मेरे हिसाब से बहुत अनप्रेसिडेंटेड ये जो डिस्क्लोजर है वो हुआ है.